आंटी जी बैठिए बैठिए, मुझे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। हमें आहान को सब सच बताना होगा। अब हम लड़ेंगे लेकिन चुप चुप के नहीं, खुले मैदान में आके लड़ेंगे, सब कुछ सच बोलेंगे। इसमें एवीएम से और झूठ नहीं बोलना चाहती। ठीक है बेटा, तो जैसे बोले। थैंक यू आंटी जी। पता नहीं क्यों देखो, पता है जिस औरत को देखते ही मेरे अंदर नफरत जाग जाती थी, आज उसी औरत की चिंता होती मुझे, उन्हें तकलीफ में देख के खुद तकलीफ होती। भैया तो हम एक बार उनसे बात कर सकते हैं ना? चाची हमेशा कहती कि इंसान बुरे नहीं होते, उनके हालात बुरे होते। भाभी भी कहती कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती कि जो इंसान बुरा नहीं होता वो भी बुरा लगने लगता। क्या पता माँ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, उनकी कोई मजबूरी हो, कुछ हुआ हो ऐसा। हम एक बार उनसे पूछ सकते हैं ना? हम एक बार उनसे बात तो कर सकते हैं, उनके लिए नहीं तो मेरे लिए। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी माँ ने ऐसा क्यों किया, वो हमें छोड़ के क्यों गई। मेरे लिए प्लीज मान जाओ।